हूँ स्वाति श्रीवास्तव। स्कूल चले हम, सरकारी स्कूलों में शिक्षा जागरूकता के लिए गढ़े गए इस नारे की सच्चाई मेरठ में बेहद कड़वी है। जिले में 100 से ज्यादा ऐसे सरकारी प्राइमरी स्कूल्स हैं जहां पर बच्चों की संख्या 20 भी नहीं है। हर साल में शिक्षा जागरूकता अभियान पर लाखों रुपए सरकार की तरफ से खर्च होते हैं, लेकिन जमीनी हालत जस की तस है। क्यों सरकारी स्कूलों से लोगों का मोह भंग हो रहा है? कौन है आखिरकार इन सबका जिम्मेदार? कागजी और झूठे दावों की परत दर परत खोलती मेरठ से नरेंद्र प्रताप की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। रुको 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 रुको, हर बात का जवाब देने जरूरी नहीं है ना, मैं हर बात का जवाब देने जरूरी नहीं है ना, मैं जितना बोल रही हूँ उतना करिए। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। बेशर्मी की हंसी, कुर्सी का गुरूर और तानाशाही से भरे इस चेहरे को गौर से देखिए। ये कोई मामूली हस्ती नहीं है, ये मेरठ की जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आशा चौधरी हैं। सरकार ने इनके कंधों पर ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शिक्षा मिले ये जिम्मेदारी देकर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जैसा अहम पद दिया, लेकिन मैडम अधिकारी को अपने काम से ज्यादा अपने अहंकार का गुमान है। मैडम को कोई भी सवाल पूछना इतना नागवार गुजरता है कि एक पल में रिपोर्टर को ही हड़काने लगती हैं। रुको, रुको। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है ना, मैं हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है ना, मैं जितना बोल रही हूँ उतना करिए। शिक्षा जागरूकता अभियान की नाकामी और सरकारी अफसरों की तानाशाही रवैये की एक वानगी भरे आशा चौधरी की हंसी। दरअसल हर साल सरकार की तरफ से करोड़ों अरबों रुपए गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए खर्च किए जाते हैं, लेकिन आशा चौधरी के जैसी तानाशाह अफसरों के चलते सरकार की तरफ से चलाए गए ऐसे अभियानों में पलीता लग जाता है। आशा चौधरी खुद स्वीकार भी करती हैं कि सरकार की तरफ से तो पैसा मिलता है और इसमें छुपाने वाली बात कोई नहीं है। आप बता देंगे कि रेंटेड में चल रहा है तो क्या प्रॉब्लम है उसमें, वो तो सच्चाई है ना। हाँ, उसका, है तो किरा, उसका तो किराया भी सरकार आपको देती होगी। हाँ, किराया तो है नहीं कि आपने कहीं कोई चीज छुपा रखी हो। नहीं, छिपने वाली तो कोई चीज़ है नहीं। में चल रहा है तो कोई शर्म की बात थोड़ी है उसमें। नहीं, शर्म की क्या बात है, वो तो राइट टू एजुकेशन है, हर बच्चे को एजुकेशन मिलनी चाहिए। सोचने वाली बात यह है कि हर साल अरबों रुपए खर्च करने के बावजूद सरकारी योजनाओं का असर जमीन पर क्यों नहीं दिखता। सवाल यह है कि कौन है वो लोग जो न सिर्फ अपने काम के ही गुनहगार हैं, बल्कि हजारों लाखों गरीबों के हक पर भी डाका डाल रहे हैं। सवाल हम उठाते रहेंगे, सरकार का क्या कदम होगा ये देखने वाली बात होगी। स्पेशल डेस्क भारत समाचार। जहां एक तरफ सरकार के स्कूल चलो अभियान में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, तो दूसरी तरफ प्राइमरी स्कूलों में बच्चे कम हो रहे हैं लगातार। ऐसे ही एक स्कूल के अंदर हमारी टीम पहुंची, देखिए खास रिपोर्ट। अरबों रुपए की मदद, फिर भी छात्र गायब। बेसिक शिक्षा के स्कूलों से क्यों गायब है बच्चे? वीरान स्कूल और तानाशाह अफसरों की कड़वी सच्चाई। बेसिक शिक्षा को मठाधीश भ्रष्ट अफसर गलील। मेरठ महानगर की घनी आबादी वाले इलाके में चल रहे इस स्कूल का नाम अंदरकोट। अंदरकोट स्कूल में एक प्राइमरी पाठशाला भी चलती है जिसका नाम है मोरीपाड़ा प्राइमरी पाठशाला। इस पाठशाला को बंद करके महज 10x12 फीट के कमरे में शिफ्ट कर दिया गया है। इस स्कूल में बच्चों की संख्या सिर्फ 7 है और स्कूल में प्रिंसिपल से लेकर चपरासी तक के काम का जिम्मा टीचर शीलू सहनी पर है। टीचर ही कक्षा 2 से लेकर 5 तक के बच्चों को पढ़ाती है। मैं अकेली टीचर हूँ सर यहाँ पर, एंड इस टाइम एट प्रेजेंट यहाँ पे 7 बच्चे एनरोल्ड हैं और हम डेली घर घर जाकर प्रयास कर रहे हैं कि बच्चे यहाँ पर बढ़े स्ट्रेंथ और बच्चे आए यहाँ पे। अरबों रुपए खर्च करने के बावजूद सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या कम क्यों है और ये स्कूल बद से बदतर हालात में आके क्यों पहुंच गए हैं, खुद सुनिए। पोज अगर मैं अकेली हूँ तो मैं कभी अगर छुट्टी पर जाती हूँ तो फिर
बच्चों को अगर लगता है मैम अब थोड़े दिन छुट्टी पर हैं तो फिर वो आना ही बंद कर देते हैं कि हमारी मैम नहीं आ रही, और फैसिलिटीज़ की कमी है, स्पेस नहीं है पूरा हमारे पास। जिले में दर्जनों ऐसे स्कूल हैं जो कि किराए के इमारतों में चल रहे हैं। किराए के इन स्कूलों को विभाग के अफसरों ने पैसे के लिए साठ गांठ करके खाली किया और सिर्फ कागजों में स्कूल बनाकर दूसरे स्कूलों के छोटे मोटे कमरों में शिफ्ट कर दिया गया। जिले में 100 के करीब ऐसे स्कूल हैं जिसमें छात्रों की संख्या 20 से कम है। अफसरों का खेल केवल सरकारी स्कूलों में ही नहीं देहात में भी जारी है। भोला गांव में प्राइमरी पाठशाला में 3 बच्चे, अहमदाबाद स्कूल में 9 बच्चे, बहादुरपुर में 9 बच्चे, कोठी अतानास में 8 बच्चे, समितगंज जयदेवी नगर में 6 बच्चे, सरायलाल दास में 6 बच्चे मौजूद मिले। इन अफसरों के पास अपना निकम्मापन छुपाने के लिए स्कूल चलो अभियान के नाम का बहाना है और अगले सवाल पर तानाशाही से चुप रहने का आदेश। लेकिन सवाल ये है कि इन हवा हवाई स्कूलों में जब व्यवस्थाएं ही नहीं हैं तो फिर आखिर बच्चे क्यों पढ़ने आए। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ। और इस खबर पर बातचीत करने के लिए सहयोगी नरेंद्र जुड़ चुके हैं जिन्होंने ये पूरी स्टोरी कवर की है। नरेंद्र बताएंगे, नरेंद्र जब आप पहुंचे तो वहां पर अधिकारी का क्या रवैया था, वो हंसी से ही समझ में आ रहा है। देखिए केवल हंसी ही नहीं, एक तानाशाही पूर्ण जो व्यवहार है वो भी देखने को मिला। जब उनसे ये पूछा गया कि आखिर इतने कम बच्चे इन स्कूलों में क्यों हैं, ऐसे स्कूल जहां पर लाखों रुपए हर महीने सरकार खर्च कर रही है और वो जो पैसा है वो हर गरीब और अमीर आदमी की गाड़ी कमाई से निकल कर आता है, टैक्स का वो पैसा है जिससे गरीब बच्चों को और जो निराश्रित लोग हैं उनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई के साधन मुहैया कराती है सरकार। तो इस सवाल पर उन्होंने हमारा कैमरा बंद करवा दिया और साफ कहा कि आप अभी रुक जाइए और एक बार आने पर केवल एक ही सवाल कीजिएगा। आप समझिए कि क्या मानसिक दशा है इस महिला अधिकारी की। जो सवाल जो जेन्युइन है, जो गरीब लोगों के बच्चों की शिक्षा से जुड़े हुए सवाल हैं, वो सवाल हैं जिनके लिए सरकार अरबों रुपया खर्च कर रही है और गरीब बच्चों के लिए इन सरकारी स्कूलों में अच्छी टीचर, अच्छे जो साधन है वो मुहैया करा रही है, जो स्पोर्ट्स के बहुत सारे एसेसरीज हैं वो मुहैया करा रही है और पढ़ाई लिखाई के बहुत सारे ऐसे एसेसरीज हैं वो काफी कीमत के हैं वो सारे मुहैया करा रही है। लेकिन इसके बावजूद भी अधिकारी जो हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार नहीं। अब थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सारा जो खेल है वो क्या है। इन दिनों जब स्कूल खुलते हैं तो बच्चों को स्कूल खींच कर लाने की जिम्मेदारी केवल टीचर्स के ऊपर ही नहीं, जो अधिकारी हैं उनके ऊपर भी है। वो अधिकारी जो लाखों रुपए की तनख्वाह पा रहे हैं, पगार पा रहे हैं, तो उनका जो दायित्व है, उनका जो निर्वहन है अपनी जिम्मेदारियों के प्रति, वो जमीनी तौर पर दिखाई नहीं देता। आपको बताएं कि आशा चौधरी जो बीएसए हैं मेरठ की, उन्होंने जब इन स्कूलों में कम संख्या देखी छात्रों की तो एक चेतावनी लेटर जारी कर दिया, जहां पर एक कमिटमेंट होना चाहिए, एक सामंजस्य टीचर और अधिकारी और जो बाकी सिस्टम है उसके बीच देखा जाना चाहिए, उसकी तो कहीं बात नहीं हो रही। एक जो फरमान है वो जारी कर दिया और उनसे पूछा जा रहा है कि बताइए ये जो बच्चे हैं इतने कम क्यों हैं। ये सवाल तो रहा उन टीचर्स और अधिकारियों के बीच जो चीजें चल रही हैं उसका। अब आप असलियत अगर जानना चाहेंगे तो शहर में ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं जिनकी संख्या सैकड़ों में है, जहां पर सुविधाओं के नाम पर केवल और केवल उन बच्चों को तिरस्कार मिलता है, जहां गरीब अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजता है। ये स्कूल ऐसी बेकार जगहों पर चलाए जा रहे हैं जहां पर सांस लेने के लिए शुद्ध हवा तक नहीं है, वहां पर बहुत ज्यादा बिलबिलाहट और बेचैनी का सामना आपको करना पड़ेगा, वहां पर बिजली नहीं है, वहां पर पंखा नहीं है, और जब बारिश होती है इन दिनों जिन दिनों इस समय वक्त गुजर रहा है तो वहां पर पानी भर जाता है उन स्कूलों में। आपको बताएं कि बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो रेंट पर चल रहे हैं, वहां उन स्कूलों की इमारतों को धीरे धीरे करके खाली कराया जा रहा है, क्योंकि वो इमारतें अब मेरठ में जैसे जमीनों के दाम बढ़े हैं वैसे ही उनके जो ओनर्स हैं, चाहे वो किसी समिति की है चाहे वो किसी ऑर्गेनाइजेशन की जमीन है, उसको खाली कराया जा रहा है अधिकारियों की सेटिंग से। वो इसलिए कि उनकी जमीनों की कीमत बढ़ गई है और जो स्कूल हैं जिन स्कूलों को अच्छी जगह देने की प्राथमिकता सरकार की अधिकारियों की है, उन स्कूलों को दूसरे बिल्कुल बेकार से स्कूलों के एक एक कमरे में शिफ्ट कर दिया जा रहा है।
अब सवाल ये है कि जब पूरा स्कूल एक 10x12 के कमरे में चल रहा है तो कोई क्यों अपने बच्चे को वहां पर भेजेगा पढ़ाई लिखाई के लिए? कक्षा 2, कक्षा 4, कक्षा 5 इन तीन क्लास कि वो कितनी मल्टी टैलेंटेड टीचर है, तो तीन तीन क्लास के बच्चों को एक कक्षा में बिठा के, एक स्पेस में बिठा के और पढ़ा रही है और हर सब्जेक्ट पढ़ा रही है। तो इस तरीके के ढेर सारे स्कूल शहर में हैं, और जहां तक जगह की बात है और उसकी वजह से बच्चों का स्कूल तक ना आने का सवाल है, तो ये समस्या शहर में कस्बों में समझी आ सकती है। लेकिन ऐसे स्कूल जहां पर देहात है और वहां बहुत बड़े बड़े कैंपस हैं, वहां पर संख्या 9 है, वहां पर संख्या 4 है, 7 है, 13 है, 15 है, इस तरह की स्थिति है। मैं जिस स्कूल में विजिट करने गया जिसका नाम अंदरकोट है और शहर के मिड इलाके में ये स्कूल है, यहाँ जिस अंदरकोट नाम से स्कूल चल रहा है वहां पर जो स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या 37 है और वहां 2 शिक्षक हैं, 1 शिक्षा मित्र है। आप समझिए कि एवरेजन 10 से 15 के बीच में जो बच्चे हैं वो एक शिक्षक के ऊपर आ रहे हैं। तो ऐसे ऐसी जहां अव्यवस्थाएं हैं, जहां पर औसत नहीं देखा जा रहा टीचर्स का, तो वहां पर ये अधिकारी क्या कर रहे हैं? एक रचपुरा के पास स्कूल है, इसके अलावा एक अमेड़ा में स्कूल है, वहां पर 10-10, 11-11 टीचर और शिक्षा मित्र हैं और वहां पर स्टूडेंट की जो संख्या है वो 100-125 के आसपास है। आप समझिए कि उन सारे टीचर्स को वहां अपॉइंटमेंट दे दिया गया है और उनसे एक मुश्त पैसा लेकर और ये पूरा नेक्सस यहां पर चलाया जा रहा है। जहां शिक्षकों की जरूरत है वहां पर ना स्कूल का स्पेस है ना शिक्षक है, और जहां जरूरत नहीं है वहां पर शहर के आसपास के इलाकों में जहां क्रीम आबादी रहती है वहां पर शिक्षकों की भरमार है। जहां स्टूडेंट नहीं है वहां तो भरमार कर दी, और जहां जरूरत है वहां पर शिक्षक नहीं है। तो इस तरीके का जो नेक्सस है वो सब चल रहा है, अंधेर गर्दी है सरकार की नाक के नीचे, ऐसे अफसर अंधेर गर्दी मचा रहे हैं। और आप समझिए कि जो हक है एक गरीब जरूरतमंद बच्चे का, पढ़ाई का हक, वो इनसे छीना जा रहा है। सरकार पैसा दे रही है, साधन दे रही है, उसके बावजूद भी ऐसे निकम्मे अफसर उन बच्चों को उनका हक हासिल नहीं करवा पा रहे हैं, ये स्थिति है। बहुत धन्यवाद आपका नरेंद्र जानकारी देने के लिए, नरेंद्र जिन्होंने वहां से ये रिपोर्ट भेजी थी। और आप देखिए स्कूलों की, सरकारी स्कूलों की हकीकत क्या है, सरकार तो पूरा पूरा पैसा दे रही है लेकिन स्कूल चलो अभियान को पलीता लगा रहे हैं यहाँ के अधिकारी।